चलते तेज हवाओं ने भी अपना रुख क्रूर कर लिया, जिसके चलते तकरीबन 2 दर्जन से अधिक पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। बता दें कि पिछले 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह पानी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वर्षा के साथ तेज हवाओं के चलने से सड़क किनारे लगे वृक्ष उखड़कर गिर गए हैं। नगर पालिका और वन विभाग ने रास्ते में पड़े पेड़ों को हटाया है। हो रही भारी वर्षा से लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में वर्षा के साथ साथ तेज हवाओं का जो झोंका चल रहा है उससे भारी नुकसान देखा गया है। हम बात कर रहे हैं जालौन में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को सड़कों में गिरा हुआ देखा गया है। रात भर तेज हवा चली, जिसकी वजह से लोगों को आना जाना काफी कठिनाई भरा रहा और कहीं आना जाना बाधित भी रहा। अब इसको लेकर नगर पालिका और वन विभाग ने पेड़ों को साफ सफाई कर वहां से हटाया गया, लेकिन भारी नुकसान जो पेड़ों के गिरने से हुआ है उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। बहरहाल जो जालौन में जिस तरीके से वर्षा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी तरमान के न्यूज जालौन। और अब खबर बांदा के तिंदवा।